गई है कयामत की रात। मैं हूं नागिन। जानती हो, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और भैरवनाथ भी। क्यों? क्योंकि उस न्याय मूर्ति को सबके कर्म का फल देना आता है। जब कोई पुण्य करता है तो वो उसके लिए भोलेनाथ है, और जो पाप करते हैं उनके लिए भैरवनाथ, विनाश के नाथ। और उनके लिए सबसे बड़ा पाप क्या है जानती हो? उनके निष्ठावानों को, उनके सेवकों को चोट पहुंचाना। जाओ अपना कार्य संपन्न करो। आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन सभी नाग शिव जी को प्रसन्न करते हैं। आज से तुम्हारा बदला प्रारंभ होगा। तो भूल से भी ये समझने की गलती मत करना कि शक्ति सेविका होती है, वो स्वयं अपनी मर्जी की मालिक है। हम उसे आदेश नहीं दे सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं। वो जो चाहती है वही करती है, चाहे तो बनाती है या बिगाड़ती है। पता नहीं आज की रात शक्ति किस पर दयालु होगी। रुको, देखो ये वही मंदिर है। आपका दिमाग खराब हो गया यामिनी जी। जब देखो यहाँ पर मंदिर की तरफ खींची चली आती है, ऋतिक वहां पर क्या करने जाएगा? हाँ, तुम्हें मंदिर जाना है ना, जाओ। मैं जा रहा हूँ ऋतिक को ढूंढने। आज तो तेरी रात्रि है, शिव की रात्रि, और मुझे पता है आज मैं तुझसे कुछ भी मांगूंगी ना, तू मना नहीं करेगा, मना नहीं करेगा प्रभु। कुछ नहीं, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, कुपाड़ी से गिर गया था, पैर स्लिप हो गया था। भाई क्या बात है, नेटवर्क ढूंढते ढूंढते पहाड़ी से गिर गया। मैं तो आज तक ये सोचता था कि लोग लड़की के चक्कर में गिरते हैं, लेकिन तू पहला है जो नेटवर्क के चक्कर में पहाड़ी से गिर गया है। चाचू इसको ना एक सेटेलाइट फोन ला के दे दो, आज बच गया है, लेकिन अगली बार कहीं नेटवर्क पकड़ते पकड़ते इसका नेटवर्क ऑफ ना हो जाए। बस यामिनी जी, आप एंगेजमेंट के लिए यहाँ पे आना चाहती थी ना? हम यहाँ पे आए लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे बेटे की जान खतरे में आ गई। आपको जो कुछ भी करना है, पूजा आरती चल के मुंबई में करिए। हम मुंबई वापस जा रहे हैं। मैंने कहा ना, बस हम वापस जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। वापस चलने के लिए तैयार, चलो कमान, चलो।
अरे चिल, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ बताओ तो, मैं क्या कर रही हूँ? 10 साल की उम्र से मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ और 11 साल से मैं तुम्हें ये रियलाइज करवा रही हूँ कि मैं तुमसे सच में कितना प्यार करती हूँ और कई बार सक्सेसफुल भी रही। और 4 साल से मैं ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ उतना कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम से हमें बिना बताए तुम कहीं गए ना तो तुम क्या करोगे? मैं खुद ही तुम्हें थप्पड़ मार के गिरा दूँ। तुम कभी भी किसी के लिए केयर ही नहीं कर सकते, हर वक्त बिजी रहते हो, कभी काम कभी मीटिंग, मन किया तो कॉल किया नहीं तो वो भी नहीं। मैं ही सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए घंटों घंटों वेट भी कर सकती हूँ, पर दोबारा अपनी जान को खतरे में डाला ना तुमने तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सॉरी तन्वी, तुम्हें पहले इतने गुस्से में कभी देखा नहीं। आई थिंक डैड की थियोरी बिल्कुल सही है, तुम अपने मॉम के साथ चेक कर लो। तुम सच में 100 साल की हो गई हो और इच्छाधारी नागिन हो। हाउ मीन? अरे अभी से मार रही हो, शादी हुई नहीं है, शादी के बाद क्या करोगी? दोबारा ऐसी हरकतें करके देखो फिर बताती हूँ। सच बताओ क्या हुआ था वहां पे? सब कुछ तो बता दिया, वहां धुंध थी, मैं ठीक से देख नहीं पाया और पैर फिसल गया। उसके बाद उस लड़की ने आके तुम्हारी जान बचाई? हाँ। चक्कर क्या है? तुम्हारे सपने में कोई और लड़की आती है, फिर कोई और लड़की आके तुम्हारी जान बचाती है। बच्चू तुम जब तक बनते हो ना उतने सिंपल हो नहीं। इतनी लंबी लाइन? क्या ये मत क्यों है? सॉरी सर, आप आगे नहीं जा सकते, आगे लैंडस्लाइड हुई है। ये क्या, अब क्यों रोक दिया? बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे वाह बेटा, मूंगफली ले लो, गरीब का भला हो जाएगा। अरे भगवान आपका भला करेंगे, दो दो, बहुत भूख लगी, दो पैकेट, दो दो पैकेट, दो पैसे दे दे, एक मिनट, ये लो सारे रख लो। और उसकी बाहें उसे छू लेती हैं और फिर वो एक नागिन बन जाती है। अरे किताबें पढ़ो तो ऐसी के मजा आ जाए, नागिन भी हॉट एंड सेक्सी, वाह। और वो अपने फन से उसे डस लेती है। ये फन भी ना कितना भयानक हो सकता है, हा? और फिर वो नागिन एक मनुष्य का रूप धारण करती है और पूरे 100 साल की तपस्या के बाद, अरे यार मेरी तपस्या कब खत्म होगी, कब आएगी मेरी जिंदगी में भलखाती लहराती मेरी नागिन? आजा। ये लोग कब से बोल रहे हो मान रहे हैं, आगे लैंडस्लाइड हुआ है और ये लोग मुंबई जाना चाहते हैं। हेलो हेलो, ये लोग नहीं, एंकी एंकी रह जा। एक्चुअली ना एक बहुत बड़े समझा को सुझाने की कोशिश कर रहा था, समझ रहे हैं ना, फन मारने वाली, बड़ा। हाँ बहुत बड़ा केस था, वो तो देख रहा है ये बड़ा फन, आई मीन बड़ा फन। ए हीरो, हवलदार ने एक बार कहा नहीं जा सकते तो मतलब नहीं जा सकते। देखिए मेरी शादी है और हमें हवेली नहीं जाना, हमें मुंबई जाना है। ओ अच्छा अच्छा, वो हवेली वाले राजा साहब, आजकल हम बहुत बातें सुन रहे हैं आपकी हवेली के बारे में। हमें हवेली के बारे में कुछ नहीं जानना है, हमें मुंबई भिजवा दीजिए प्लीज। ठीक है, मुझे भी आपसे मुंबई जाने की बात नहीं करनी। शायद आप अब आप जा सकते हैं, बाहर एक छोटा सा रास्ता है, हम उसे खोल देंगे। पापा, छाया भाभी को बाहर उल्टियां हो रही हैं। अरे वाह, शादी से पहले गुड न्यूज़। देखिए वो मेरी भाभी है,
तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा?